पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं कला संकाय के अधिष्ठाता द्वारा तथा कथित तौर पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके प्रताड़ित करने का आरोप पर उचित कार्यवाही नहीं होने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के चर्चित शोध छात्र दीपक कुमार के नेतृत्व में शोध छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट अजित कुमार सिंह से मुलाकात करके अपना मांग पत्र सौंपा तथा उचित कार्यवाही की मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शोध छात्र दीपक कुमार ने कहा, मेरा नाम दीपक कुमार है। सरोजो यूनिवर्सिटी का मेरा जो दो प्रोफेसर उत्पीड़न वाला मामला था दर्शन शास्त्र विभाग गोरखपुर इंस्टीट्यूट गोरखपुर का, और वो अभी तक मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझसे जांच वो पूछताछ तो किया गया लेकिन मेरे सहमति अनुसार नहीं किया गया, ना सही तरीके से मुझे वहाँ बोलने दिया गया। जांच कमेटी में जो यूनिवर्सिटी जांच कमेटी बनाई थी वो अपने मन का रिपोर्ट तैयार किए हैं, जो भी तैयार किए मुझे नहीं इसके बारे में मालूम है। जो भी रिपोर्ट है सब अपने मन का तैयार किए हैं, क्योंकि पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि उसमें दोनों प्रोफेसर को क्लीन चिट दिखा रहे हैं, और वो जो भी रिपोर्ट बनाए अपने मन का बनाए हैं। इससे थक हार कर हमने फिर दोबारा ज्ञापन दिया है और इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं लोकतांत्रिक ढंग से जन आंदोलन करने के बाद होंगे और अनशन पर बैठेंगे। अभी तक सिनॉप्सिस को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करते रहे, चूँकि मैं एक सिनॉप्सिस वो टॉपिक देने के लिए बोला था कि मुझे दीनदयाल उपाध्याय और भीमराव अम्बेडकर पर चाहिए टॉपिक, तो उन्होंने टॉपिक देने से पहले कहा कि दीनदयाल फ्रॉड हैं, अम्बेडकर दलित जात से आता है, तुम उस पर रिसर्च करोगे। तब मैंने कहा कि सर अगर वो दीनदयाल फ्रॉड हैं और भीमराव अम्बेडकर दलित जात से आते हैं, मैं भी तो दलित जात से आता हूँ। तो इस पर उन्होंने आनाकानी करते हुए वहाँ से चलते रहे। फिर दोबारा उन्होंने उसी पर टॉपिक तो दिया लेकिन जो मैटर हम सच्चाई लिख रहे थे उसको इधर उधर करते आनाकानी करते रहे। प्रोफेसर द्वारिकानाथ और एक प्रोफेसर हैं वो चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव।